गाइज नमस्ते, इट्स मी अनिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फिलिप्स के हेयर स्ट्रेटनर का रिव्यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी प्राइस की। सो इसकी MRP है 2195, बट Amazon पे आपको 1599 का मिल जाएगा। एंड प्रोडक्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका बहुत ही प्यारा सा लैवेंडर कलर है एंड साथ में अंदर पिंक कलर की प्लेट्स दी हुई हैं। सो लैवेंडर और पिंक का बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन है एंड इसके साथ में आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी मिल जाएगा एंड साथ में हेयर स्ट्रेटनर के पीछे आपको ऐसे हुक मिल जाएगा जिससे आप इसे हैंग कर सकते हैं। स्ट्रेटनर के बैक साइड आपको ऐसे बटन मिल जाएगा तो ऐसे आप इसे ओपन कर सकते हैं एंड फिर बाद में आप इसे ऐसे प्रेस करके क्लोज कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके स्ट्रेटनर की प्लेट हमेशा सेफ रहेंगी। इसकी वायर लेंथ भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। इतनी प्रोडक्ट की डिटेल। सो स्ट्रेटनिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग करेंगे अपने बालों को कोम। सो आपको ऐसे बालों को अच्छे से डिटैंगल कर देना है ताकि फिर बाद में हेयर स्ट्रेटनिंग में कोई इशू ना आए। इसके बाद आपको यूज करना है अच्छा सा हीट प्रोटेक्टर। मैंने यहाँ पे लॉरियल का यूज किया है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपको पाम पे थोड़े ड्रॉप्स लेने हैं एंड उसे ऐसे रब करना है एंड पूरे बालों में आपको इवनली लगा लेना है लेंस पे फोकस करके। बाद आपको सेक्शन क्लिप्स लेना है एंड बालों में सेक्शन कर देना है, बट मेरे पास सेक्शन क्लिप्स नहीं है तो मैंने यहाँ पे रबर बैंड लिया है एंड मैं बालों में अच्छे से बन बना लूंगी एंड बालों को सेक्शन कर दूंगी। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने बालों में अच्छे से बन बांध लिया है एंड मैंने यहाँ पे दोनों ही साइड में सेक्शन कर लिए हैं बालों को। सो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हेयर स्ट्रेट करना। जैसे ही इसे प्लग इन कर लेंगे आपको यहाँ पे स्ट्रेटनर में तीन ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो यहाँ पे बटन दिया गया है एंड इसमें तीन मोड्स हैं, ऑफ, ऑन और हाई मोड। सो आप जब भी पहले स्ट्रेटनिंग करें आपको हमेशा जो ऑन वाला, जो लो वाला मोड है उसी में रख के आपको स्ट्रेट करना है। कभी भी आपको डायरेक्ट हाई मोड से स्टार्ट नहीं करना है एंड जैसा इसमें मेंशन है कि प्रोडक्ट जो है ये 60 सेकेंड में वार्म अप हो जाएगा। सो आपको इसे कभी भी ऐसे टच करके नहीं देखना है, आप इसे ऐसे स्मेल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा प्रोडक्ट हीट अप हो गया है एंड आप इसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेक्शनिंग से। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो सेक्शंस कर लिए हैं। आप ट्राई कीजिएगा कि आप एक इंच सेक्शन लें ताकि फिर हेयर स्ट्रेट अच्छे से होंगे एंड बस आपको क्या करना है ऐसे बालों को एक हाथ से पकड़ना है एंड दूसरे हाथ से स्ट्रेटनर ग्लाइड करते जाना है। ये एक मेथड है एंड दूसरा या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप एक हाथ में स्ट्रेटनर पकड़ सकते हैं, दूसरे हाथ में कोम या फिर ब्रश पकड़ सकते हैं एंड ऐसा आप स्ट्रेट कर सकते हैं। आपको जो भी मेथड ईजी लगे आप ऐसा कर सकते हैं एंड 3-4 बार रिपीट करने के बाद फ्रंट के जो हेयर है वो मैंने स्ट्रेट कर लिया है। अभी बैक साइड के हेयर भी मैं ऐसे ही स्ट्रेट कर लूंगी। आप बस ध्यान रखिएगा कि आप अपने कानों से इसको दूर रखें ताकि ये लग ना जाए एंड बस आपको ऐसे स्ट्रेट करते जाना है एंड आप जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उतने ज्यादा अच्छे से आपके बाल जो है वहां से स्ट्रेट होंगे। एक साइड के बाल अच्छे से स्ट्रेट हो जाए आप क्या कर सकते हैं, आप स्ट्रेटनर में एक बार पूरे बालों को फिर से स्ट्रेट कीजिए ताकि फाइनल लुक अच्छा सा आए। क्लियरली डिफरेंस देख पा रहे होंगे, ये वाला साइड जो है ये कितना अच्छा और स्ट्रेट लग रहा है एंड ये वाला साइड वैसे ही फ्रिजी लग रहा है। सो अभी हम सेम प्रोसीजर ये वाले साइड पे भी करेंगे। देख सकते हैं दोनों साइड के हेयर मैंने अच्छे से स्ट्रेट कर लिए हैं एंड नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, अभी जो बन वाले बाल हैं उन्हें मैं ऐसे ओपन कर लूंगी एंड ये वाले बालों को मैं पीछे कर दूंगी एंड बन वाले बालों को आगे लाके मैं उसे स्ट्रेट कर लूंगी। देख सकते हैं फ्रंट साइड के बाल भी अच्छे से स्ट्रेट हो गए हैं एंड अभी मैं सारे बालों को ऐसे सामने लाऊंगी एंड उसे एक बार फाइनल टचअप दूंगी स्ट्रेटनर से एंड फिर मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। गाइस ये है मेरे बालों का फाइनल लुक एंड अभी मैं आपको देती हूँ हेयर स्ट्रेटनर का रिव्यू।
सो गाइज आपको ना मार्केट में बहुत सारे हेयर स्ट्रेटनर मिल जाएंगे 700 या 800 के अराउंड, बट अगर आप थोड़ा और इन्वेस्ट कर सकते हैं सो प्लीज आप इसमें इन्वेस्ट करके देखिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा हेयर स्ट्रेटनर है जैसा मैंने इसे यूज किया। सो आप देख सकते हैं इसमें आपको मोड्स भी मिल जाएंगे अलग अलग, एंड साथ में गाइज आप ना टेक्निक्स के अकॉर्डिंग इसमें ना आप कर्ल भी कर सकते हैं, सो वो भी एक अच्छी बात है एंड बहुत ही ज्यादा स्टर्डी है। एंड गाइज बात करें हेयर स्ट्रेटनिंग की, तो आपके जो बाल है वो लॉन्ग टाइम तक स्ट्रेट रहेंगे इससे, एंड बहुत ही जल्दी आप देख सकते हैं स्ट्रेट हो जाते हैं बाल, लाइक विद इन 5-10 मिनट्स में मेरे बाल स्ट्रेट हो गए थे। सो यस गाइज आप इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये डेफिनेटली वर्थ इट है। गाइज दैट वॉज इट फॉर द वीडियो, आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है सो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।